Hi Berries, welcome back to my channel. Welcome to my channel if you have landed here for the very first time. Hope you subscribe to my channel, click on notification bell so don't miss out any further updates. You can also follow me on my Instagram, Twitter, Facebook, all the links in the description box. Namaste, this is Dvija aur kaise hain aap? Maine ek cheez नोटिस किया अभी कि मैं आकाश गुप्ता के आई वॉज जस्ट गोइंग थ्रू उनके यूट्यूब पे ना कि कौन सा वीडियो बाकी है. मैंने आई थिंक आई हैव डन एवरी वीडियो दैट ही हैज़ ऑन दिस. वी हैव सीन ऑल द वीडियोज़ राइट जो भी उनके पोस्ट किए गए हैं उनके यूट्यूब पे. आई फेल्ट सो बैड क्योंकि इतना मज़ा आता है मुझे उनके वीडियोज़ देखने में. बट आई फाउंड कि उन्होंने एक स्केच किया हुआ है जो हमने नहीं देखा. दो ये स्टैंड अप कॉमेडी नहीं है एंड व्यूज़ देखे लग रहा है इट्स नॉट एज लव्ड बाई पीपल एज अदर वंस आर. बट इनको देखने में मज़ा आता है. लाइक ही इज़ फन, ही इज़ जस्ट अ फन पर्सन. तो मुझे लगता है इसमें भी हमको मज़ा आएगा. होपिंग फॉर इट. इट्स मैन वर्सेस वाइल्ड फीचरिंग बियर गुप्ता. ओके, स्केच कॉमेडी बाय आकाश गुप्ता. पता नहीं, लेट जस्ट गो फॉर इट. मैन वर्सेस वाइल्ड की पैरोडी जैसा कुछ लग रहा है मुझे. बट या होप टू एन्जॉय लाइक आई ऑलवेज से. लेट जस्ट गो फॉर दिस. Okay, play. इस बार मैं आया हूँ चीरा पूंजी के जंगली बीहड़ में. यहाँ ना आदम है ना आदमजाद. अगर यहाँ कहीं भटक गए तो मालिक ही बचा सकते. Okay. मैं आपको जान बचाने के कुछ ऐसे तरीके बताऊंगा जो एंडीज पर्वतमाला, सहारा रेगिस्तान या अमेज़न के घने जंगल घंटा कहीं काम नहीं है. ये है मैन वर्सेस वाइल्ड और मैं हूँ बियर गुप्ता. इस बीहड़ में रहने वाले कई जहरीले सांप इन झाड़ियों में प्रजनन करते हैं. प्रजनन ऐसी उत्तेजित अवस्था में उनसे छेड़खानी करना जानलेवा साबित हो सकता है. दोस्तों यहाँ पर एक रैटल स्नेक. ओके, ये बहुत खतरनाक. हमारे फार्म हाउस पे भी होता है कि आपको काट ले. नहीं, वो रैट स्नेक है. मर जाते सब नीचे रहेंगे. देखिए मैं एक तरीका बताऊंगा जिससे ये भाग जाता है. It's been long since we've been together. Oh my god. दोस्तों मर गई. वो एक गाना सुन के भाग गई. चलिए. Oh my god, this is a good roast. भटकती सबसे पहले जरूरत है पानी, खाना और शेल्टर ढूंढने की. सबसे पहले हम पानी ढूंढेंगे. अच्छा. क्योंकि इन भीड़ों में अगर आप प्यास से रह गए तो आपकी मौत बहुत जल्दी हो जाएगी. ओके. दोस्तों यहाँ पर हमें पानी के कुछ गड्ढे मिले हैं. इधर आइए. ये देखिए सबसे बड़ा वाला. ये एक पानी का स्रोत है, साफ पानी है और ये खड़ा पानी है तो इसमें जीव हो सकते हैं जिससे मैं बीमार पड़ सकता हूँ. ऐसे हालातों में आपको इस पानी को उबाल लेना चाहिए पर मैं डेस्परेट हूँ. मेरे शरीर को पानी की जरूरत है तो मैं इसे पिया. अब मेरे शरीर को पानी मिल गया है. चलिए अब खाने की खोज में चलते हैं दोस्तों. मुझे मुझे पानी की आवाज. आकाश नेवर डिसअपॉइंट्स. नदी 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 है यहाँ कोई. मुझे साफ पानी की बहती हुई नदी मिली है जिस पर मैं अब सैल्मन मछली पकड़ूंगा. सैल्मन जो इन्हीं नदियों में प्रजनन करने वापस आती है. चलिए सैल्मन में बहुत प्रोटीन होता है. सैल्मन ने स्प्राइट की बोतल इस प्लास्टिक ने हमारा दुनिया खराब कर दी. अग्री. आगे बढ़ते. ऐसे में कच्ची छिपकली, घड़ियाल का डैंड्रफ, गेंडे का गुर्दा, बीहड़ में जो मिले वो खाएं. इन हालातों में जरूरी है कि आप अपने मानसिक संतुलन को ना खोएं. हो सकता है कि आपको अपना पेशाब पीना पड़े पर हौसला ना हारें. मुझे यहाँ ताज़ा ताज़ा गू मिला है. इसकी सुगंध से मैं बता सकता हूँ ये अभी किया. Sorry. और उंगली डालूँ तो अंदर घुस जाएगी. दोस्तों मुझे बहुत भूख लगी है और इसमें बहुत प्रोटीन होता है. Oh my God, no. तो भीड़ में कई बार आपको ऐसी चीजें करनी पड़ती है जो आप. ये कुछ और है अगर वो खाएंगे तो फॉर श्योर. आई थिंक मैं 15-20 मिनट और भूखा. ये गू ही है. ओके. मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं है. अब मुझे डर लग रहा है. कुछ ही देर में अंधेरा होने वाला है. और मुझे आग जलाने के लिए लकड़ी इकट्ठा करनी पड़ेगी. रात होते ही यहाँ का तापमान -3 तक गिर जाता है.
Okay. और ऐसे में शिकार करने निकलता है खूंखार ग्रिजली भालू। ग्रिजली भालू सामना किसी ग्रिजली भालू से हो तो उसे पीठ दिखाकर ऐसे ना भागे। राइट। वो आपका पिछवाड़ा नोच थे। इसलिए आग जलाना बहुत जरूरी है। मैंने अपना ज्वलन रात के लिए इकट्ठा कर लिया है। That's it. अब बस आग जलानी। आकाश never disappoints again. कुछ सूखी घास इकट्ठी गई है यहाँ पे और हमें आग लाने की कोशिश की तरह, जैसा कि मैंने YouTube की वीडियोस पे देखा। बहुत बार ट्राई करना पड़ता है। ये बहुत ही कठिन और मुश्किल प्रक्रिया है, पर मैंने एक YouTube वीडियो देखा था कि पत्थर को किस तरह आपस में टकराया जाए कि आग लग जाए। okay. हमारी जीत हुई है। मैंने आग लगा ली। जाना नहीं तू जाना नहीं। आग के बिना इस तापमान में फ्रॉस्ट बाइट हो सकता है, जिससे आपकी गांड फट और जम दोनों सकती है। ये आग से मुझे बहुत हौसला मिलने वाला। ओह बुझ रही। हाँ या खुदा, लगता है ये बिहड़ मेरी जान ही लेता है। आखिरी जो मेरा तरीका है बचने के लिए वो ये है कि मैं अपने जियो के सिम से अपने दोस्त को फोन मिला। ओके। वाह नेटवर्क तो आ रहा है। जियो वहीं चलता है जब जहाँ दूसरा कोई नेटवर्क नहीं चलता होता है। हाँ यार मुझे लेने आ। सीरियसली? हाँ लाइव लोकेशन भेज रहा हूँ। ठीक है दोस्तों मैं बच गया। हमारी जीत हुई, हमने कुदरत से जीत लिया। हम बच गए इन बीहड़ में। हाँ मुझे लोग दिख गए हैं। वो देखिए एक फ्लैश लाइट और वहाँ चिमनी में धुआं जल रहा है। अब मैं वहीं जा रहा हूँ। हाँ बहुत मुश्किल सफ़र रहा दोस्तों ये। अच्छा इस बीहड़ में, पर मैं बच गया हूँ। मैं जिंदा हूँ, मैं खुश हूँ, मैं सुरक्षित हूँ। मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरह किसी नए बीहड़ में। तब तक के लिए शब्बा खैर, स्टे सेफ। बाय बाय गुप्ता साइनिंग ऑफ। बाय बाय। ओ आग गिर गया। ओह मैन, जैसा मैंने बोला बीच में भी, ही नेवर डिसअपॉइंट्स। आई एम गोना लाइक दिस। आई मिस हिज थोड़ा सा टोन उसके बीच में। आई नो ही वाज ट्राइंग टू गेट इनटू द फुल कैरेक्टर ये पैरडी के लिए, लेकिन उसमें बीच में होता ना ये बॉटल है ये। नो हिज थिंग व्हेन ही सेज बेल्ट ब्रदर। बाय द वे आई एम गोइंग टू सरोजनी वेरी वेरी सून। और मैं वहाँ जाके देखने वाली हुई है कि इफ एट ऑल आकाश का जो भी ऑब्जर्वेशन है वो मेरे बेल्ट के भैया लोग करते हैं कि नहीं वैसे। और मे बी आई जस्ट गो इन फ्रंट ऑफ द विंडो, बेल्ट ब्रदर ब्रदर बेल्ट, आई डोंट नो, वियर्ड। बट दिस वॉज अमेजिंग, दिस वॉज अमेजिंग। आई रियली एंजॉय। आई थिंक ये मास्टर पीस है। और ये लोग क्यों देख रहे हैं, मुझे क्यों नहीं देख रहे हैं मुझे नहीं पता है। बट एक चीज़ मैं बोलना भूल गई कि अंदर वो बॉटल उठाई ना उन्होंने, दैट वाज अ गुड मैसेज आउट देयर, लेकिन उन्होंने बॉटल वापस वहाँ वहीं पर फेंक दी। And I love it. I love it. I really enjoyed it. I hope you did. I mean, I think हमने बहुत सारे stand-up comedians को already देख लिया है और कुछ नया unfortunately नहीं आ रहा है उनके YouTube से or whatever that is. So if at all there is someone out there जो बहुत मज़ेदार है सर, जैसे you know I really like Akash. I really enjoy अभिषेक उपमन्यु। आई थिंक दीज टू आर वन ऑफ माई फेवरेट्स आउट ऑफ एवरी वन, क्योंकि उनकी कॉमेडी ना काफ़ी क्लीन होती है। आई मीन एक दो बार में भी थोड़ी एक दो गाली आ जाती है, बट दैट स्टिल इट्स अ प्रीटी क्लीन कॉमेडी। ऐसी ऑब्जेक्टिफाइंग या फिर सेक्शुलाइजिंग भी कुछ होता नहीं उसके अंदर, एंड दे आर नॉट रियली टारगेटिंग अ पर्टिकुलर ग्रुप यू नो टू बी सरकास्टिक और वट एवर। इट्स क्लीन, इट्स प्योर कॉमेडी। मुझे ऐसी कॉमेडीज अच्छी लगती है। सो इफ़ एट ऑल यू आपके नज़र में है कोई जो हमने नहीं देखा है, देन प्लीज़ लेट मी नो एंड आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम। बाय बाय, लव यू।